ओके तो ये सर म्यू के देखते हैं। आज हम लोग वापस से आ चुके हैं हमारी डीमन से सेम्पी में। जैसा कि आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम क्या ही तबाही हुई थी, और हम लोग अपने इस सीक्रेट बेस पे आ चुके थे। और आप लोग सोच रहे हो यार हम पिछली बार इस सीक्रेट बेस पे हम दो बंदे आए थे, बट इस बार हम तीन बंदे। अब यार अभी तीन बंदे आप लोग बोलोगे यार तीन बंदे कौन है ये? एक तो जो लाल और नीली कलर के जिस बंदे की स्किन है उसको तो आप जानती हो हमारे परम मित्र लक्स से, और ये बेचारा तो मैं खुद ही हूँ क्योंकि कैमरा का पूरा पॉइंट मुझ पर ही जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे साइड में जो है ये हमारे डीमन सेमी का बहुत ज़्यादा पुराना और एकदम डेडलीस्ट बंदा है जिसका नाम है वंस, जिसके बारे में कई बार बात भी कर चुका हूँ। और ये लाइव स्ट्रीम पर आया था, काफ़ी ज़्यादा इसको गाली सुनने को मेरे स्वास्थ्य पटेल के वजह से, बट हाँ चलो वो सारी बातें भूल के मैंने इसको अपनी टीम में ले लिया है। क्योंकि यार अभी ना हम लोग एक टीम बना रहे हैं, मतलब कि गैलेक्स तो टिक आर्मी एंड वो टीम हमें क्यों बनाई है और क्यों बना रहे, मतलब इतनी ज़्यादा डेडलीस्ट टीम हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि हम तीनों बंदों को इतने। आप लोग जानते हो कि लक्स यार कितना तगड़ा बंदा है, और वंश का भी यार, वंश का तो मैं आप लोगों को गारंटी हूँ एकदम डेडलीस्ट बंदा है। और तुम्हारे भाई को तो यार तुम लोग जानते हो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो धपाई करी थी मिलकर, उसके बाद तो आप लोग ये लोग समझ गए कि कितना ज़्यादा डेडलीस्ट टीम बनने वाली है। तो बस यार अभी यार आप लोग सोच रहे हो यार ये टीम बन क्यों रही है, अगर बन भी रही है तो डेडलीस्ट टीम बन क्यों रही है, क्या जरूरत आप पड़ी मतलब इन तीनों बंदों को कि जो टीम बना रहे। तो ये सर अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब मतलब ये जब पूरी स्टोरी आपको मैं बताऊंगा ना तब तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी थोड़ा स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। अब यार देखो वंस तो आप लोग बोलोगे यार ये तो इसको पहली बार आया है सेम्पी में, इसके पास ये सब क्या है? तो यार ये सारा जो आर्मर है आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम इन लोगों को कितना गंदा मारा था, और उनके इन्वेंटरी जो सारा सामान गिरा था ना वो सब कुछ हमने वंस पे दे दिया है, और ये टोटे मोटे तो लक्ष्य ने दिए, ठीक है। तो अभी इस तरीके से हम लोगों ने हमारी पूरी टीम खड़ी कर दी। और हाँ गाइस इसी के साथ में एक और बहुत बड़ी बात है, और वो बात ये कि अभी ना दो टीम बन चुकी है, एक टीम बन चुकी है किंग भाई की और एक टीम बन चुकी है अपनी टीम बन चुकी है, मतलब गैलेक्स टोटी टीम। अब यार जो एक टीम है ना वो कोई टीम भी नहीं है, वो गैलेक्स टोटी सॉरी वो है ना एक गैंग है। अब यार वो जो एक टीम है वो मतलब जो गैंग है ना वो गैंग मतलब बनाई है अपने किंग भाई ने, अपन तो यार टीम बनाते हैं एकदम प्रोफेशनल जैसे, अब उनने यार एकदम गैंग बना के रखी है। अब उनकी जो गैंग है ना उसमें जो जो बंदे उनके नाम सुन लो, अभी जो उनकी टीम में जो बंदे वो एक है कुंदन, कुंदन भाई उनके साथ पहले से ही थे, एमू भाई का भी सभी आते हैं तो वो भी उनकी टीम में, और साथ ही में ना क्या नाम है उसका, हाँ कुंदन भाई एमू भाई और वो खुद, ये तीन बंदे उनकी टीम में, और एक एक बंदा और है जो जो कि आज ही आ जाया है, और वो है सोहेल। आप लोग देख सकते हो उसने भी बोला कि वो भी आना चाहता था, तो यार मुझे भी वो बंदा काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने बोला तू भी आ जाए सेम्पी में। तो यार अभी वो भी अभी वो चारों की अलग टीम है और हम चारों की अलग टीम है। अभी आप लोग बोलोगे कि चार चौथा अभी सामने तीन बंदे घूम रहे, चौथा बंदा कैसा है? तो यार चौथा बंदा हमारा एक है अजय भी हो यार, वो भी कभी सभी आते रहे सेम्पी में तो वो भी हमें मारने मतलब इन बंदों को मारने में हेल्प कर देगा, मैंने उससे बात कर ली। तो यार अभी देखो अभी चार बंदों की उधर की टीम है और चार बंदों की इधर की टीम है, तो यार इतनी खतरनाक डेडलीस्ट टीम दोनों तरफ बन चुकी है। हाँ माना कि उनकी टीम में कुछ इतने तगड़े बंदे हैं नहीं, उनकी टीम में बस दो तगड़े बंदे, एक तो अपना सोहेल भाई और एक कुंदन भाई, ये दो तगड़े बंदे। बाकी यार लियो लियो और उसके भाई के लिए तो तुम्हारे भाई अकेला ही काफी, ठीक है। तो यार अभी ज्यादा मैं बकवास नहीं करता हूँ, सबसे पहले अभी स्टार्ट कर देते हैं अपने मतलब वीडियो को स्टार्ट ही वैसे तो। तो यार हाँ क्या करना है ना हमको यार आप लोगों को मैं पहले हाल दिखा देता हूँ। ये देखो यार शिप के अंदर अगर आप लोग लास्ट वाली वीडियो के ऊपर जाके गौर करोगे तो यहाँ पे एक नेदराइट का मैक्स एन्चांटेड आर्मर था, यहाँ पे एक स्वॉर्ड थी, यहाँ पे एक शील्ड थी, बट वो सारी की सारी चीज़ें अभी गायब है। एंड अभी आप लोग बोलोगे यार वो सारी चीज़ें अगर गायब है तो कहाँ गई? या तो मैंने उसको पहन ली होगी या फिर मैंने उसको वंस को दे दी होगी, बट मैंने वंस को तो दे नहीं सकता क्योंकि वंस के पास दूसरा आर्मर है, या तो फिर इन चेस्टों में पड़ी भी होगी, बट नहीं इन चेस्टों में भी वो नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यार वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ना एक बंदा लेके भाग गया है जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जो पिछली बार एसएमपी में तबाही करने का कारण बना था वो है अपने किंग भाई। भाई किंग भाई ने लिटरली हमारा सीक्रेट बेस ढूंढ लिया और लेके भाग चुके वो आर्मर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो क्या ही यहाँ पे कचरा फैला दिया है, वो आर्मर लेके भाग चुके हैं, मतलब सारा आर्मर इतना ओपी आर्मर था वो लेके भाग चुके हैं ना। ये मैं एकदम 100% श्योर होकर कह रहा हूँ, एंड ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ 100% श्योर होकर क्योंकि उनने अपने चैनल उन्होंने मतलब किंग भाई ने अपने चैनल पर, हाँ चोर, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो को अपडेट मतलब अपलोड किया है, आज ही अपलोड किया है, उसमें उनने हमारे आर्मर को हमारे सीक्रेट बेस से चोरी किया है। अभी मुझे नहीं पता कि वो लोग हमारे सीक्रेट बेस तक कैसे पहुंचे, या तो उनको हिंट विंट पता चल गई होगी तो वो पहुंच गए, बट चलो कोई बात नहीं, एक आर्मर तो गायब हुआ है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यार मैं चाहूँ तो मैं उन लोगों को जाकर मार सकता हूँ, बट मारा मुझे से कुछ फायदा नहीं होने वाला, हम लोगों को सबसे पहले तो एकदम डेड लिस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग मान लो कभी घर से मर भी जाते हैं या फिर हमारे साथ कुछ भी सीन हो जाता है तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली। तो क्या सर अभी ना आज हमारा क्या प्लान है? आज हम तीनों के तीनों बंदे मिलकर ग्राइंड करने वाले हैं, वो टोटल चार नेदराइट आर्मर मेक्स एन्चांटेड बनाने वाले हैं। तो वैसे ये जो टास्क है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बट हाँ कोई बात नहीं, अभी तो मजा शुरू ही हुआ है, ठीक है। तो यार अभी लग जाते हैं काम पे, ठीक है। वंस और लक्स दोनों सुन लो, अभी सबसे पहले एक काम करते, देखो नेदराइट अपने पास बहुत सारा ही पड़ा हुआ है, टावर पे भी और मेरे पास भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो यार नेदराइट के चार नेदराइट आर्मर बनाने में तो कुछ यार टाइम नहीं लगने वाला, तो यार जो चार नेदराइट आर्मर है ना वो वंस बना लेगा, ठीक है। तो वंस ये मैं एक काम करता हूँ, वंस अंदर आ मेरे पास आ जरा, वंस अंदर आ जरा। ये देख देखो गाइस वंस के पास ना डायमंड के ब्लॉक पड़े हैं, ये देख ये नेदराइट के ब्लॉक है, ये सारे ब्लॉक तू ले और वो आर्मर बना तू, चला
आर्मर आर्मर बना ले अपना, आर्मर चार चार नेदराइट आर्मर बना, और अगर नेदराइट की कमी पड़े तो बताना, हम लोग इस्पान से आके जाएंगे। बाकी देखो तो इस्पान जाने नहीं दे सकते क्योंकि इस्पान पे वो दरिंदे शायद घूम रहे होंगे, बट कोई बात नहीं। हाँ ये नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट लक्स ले ले तू, लक्स इसको दे दो नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट, इसको दे दो अपग्रेड टेम्पलेट वंस को। ये 1.20 आ गया है वंस, वो नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट की जरूरत है। सुन 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 सुन, अरे नेदराइट अपग्रेड को ड्यूप कर, ड्यूप कर, ड्यूप कर उसको, ड्यूप कर, ड्यूप कर, ड्यूप कर उसको, सॉरी मारने के लिए उसको ड्यूप कर, टेम्पलेट को ड्यूप कर पहले। देखो तो ड्यूप करना आता है ना, तो ड्यूप करना आता है कि नहीं आता है? तो ये ले, ये वाली चीज़ें पकड़, इससे ड्यूप होता है, शायद आता हो देखो। ये नेदर रेक, ये नेदर रेक बोलते हैं ना इसको, हाँ नेदर रेक, ये नेदर रेक पकड़ो, ड्यूप कर, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये देख लो गाइस, इसी यूँ ही नहीं बोलते हमारी टीम को डेड लिस्ट टीम यार, ऐसे ही नहीं बोला जाता है भाई डेड लिस्ट टीम, इसी को यूँ ही नहीं। अरे पागल बंदे, ड्यूप कर पहले अच्छे से, ये नेदर रेक पकड़ो, ड्यूप कर अच्छे से, नेदर नेदर रेक पकड़ तू। लक्स क्या कर रहे हो, मत मत चलो आग में यार गाइस। अभी देखो, अभी एक काम करते हैं, लावा में नहाते हैं हमारी, इसीलिए तो डेड लिस्ट टीम खेलाते हैं। ओके गाइस, तो देखो हमको ना, हम लोगों को चार नेदराइट आर्मर बनाने, तो अभी लक्स और मैं जो है, देखो यार गाइस मैं ना वहाँ नीचे जाना, हमारे पास विलेजर्स हैं नीचे बंद है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन होने नहीं वाली है। अभी यहाँ से मुझे देखो यार एमराल्ड तो मिल चुके हैं, अभी चाहिए होगी ना लेदर और काफ़ी सारा पेपर चाहिए होगा ताकि हम लोग एक बुक बना सके। अभी यार देखो पेपर तो मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, बट लेदर आई डोंट थिंक कि हमारे पास होगा यार, लेदर नहीं हमारे पास में, मतलब इसका मतलब ये कि हमको ओवर वर्ल्ड में आना पड़ेगा। तो यार मैं अभी जाने वाला हूँ ओवर वर्ल्ड में, एंड वहाँ से लेके आने वाला हूँ लेदर। जब तक लक्स तुम एक काम करो, तुम ना नीचे वहाँ पे जितने भी वो दिख रहे शुगर के, नीचे फार्मिंग में जितने भी शुगर के ने, उनको बार बार तोड़ो, बार बार लगाओ, जितने भी मतलब तुम जितनी बार कर सकते हो, मतलब करते जाओ, करते जाओ, अनलिमिटेड टाइम तक करते जाओ। और वंस तू जब तक चार नेदराइट आर्मर बना के तैयार रख, जब तक लक्स और में आते हैं, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे, हाँ आराम से जाना पड़ेगा भाई थोड़ा यहाँ से। भाई तुम्हारा बंदा रिवेंज जरूर, तुम्हारा भाई ना रिवेंज जरूर रहेगा, ये जो सब कुछ जो गलत सीन कराया ना ये जो किंग भाई ने, इसका रिवेंज मैं जल्दी लूँगा, बट अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं आया, सही टाइम पे रिवेंज लिया जाएगा गाइस। लास्ट टाइम SMP जो डिस्ट्रॉय हुई थी उसका भी रिवेंज लिया जाएगा। बिना ओवरवर्ल्ड में आते हैं और देखते हैं अगर वो होगा, मतलब मैं वो लेके आने वाला हूँ, कम से कम मुझे एक स्टेक लेदर लानी पड़ेगी, तो मैं जा रहा हूँ वो लेके आते एक स्टेक लेदर। अभी एक स्टेक लेदर लाने के बाद में मिलते गाइस। ओके तो गाइस सर, मैं काफ़ी देर से गाय मार रहा था, गाय को ढूंढना मतलब काउस को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, काउस और थोड़े से हॉर्स मारे तो मुझे अभी लेदर मिल चुकी है, और काफ़ी सारा मुझे खाना भी इकट्ठा हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वंस यार, वंस को कुछ काम आ गया था तो वंस को जाना पड़ा, और साथ कोचिंग वोचिंग गया होगा वो, बट कोई बात नहीं, उसने हमने हमने वैसे चार आर्मर बना देना, उसने चार आर्मर बना दिए, सही काम कर दिया। अभी चलते वापस, ठीक है हटो, जब तक अभी वंस लक्ष्य यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात कुछ होने नहीं वाली, ठीक है? मैं वापस से बेस पे तो आ चुका हूँ अभी। हाँ मुझे ना पेपर चाहिए होंगे, मेरे पास पेपर 60 नहीं है, और मुझे बुक बनाने के लिए और भी पेपर चाहिए होंगे। रुको मेरे पास एमराल्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है थोड़ा सा, और ओके चारों आर्मर रख के गया है वो, बढ़िया। मैंने उसको बोला तो चारों आर्मर रख के जाना, तो चारों आर्मर उसने रख दिया, मेरे पे ही करने। हाँ मेरे को ऊपर आके दे दो यार, ऊपर आके दे दो मेरे को, मुझे बहुत सारा अभी पेपर चाहिए होगा। सुनो सुनो सुनो, अभी तक जितने भी तुमने पेपर कलेक्ट करे ना, जितने भी पेपर जितने भी करने कलेक्ट करे उनका है ना पेपर्स बना लेते हैं, और पेपर बनाने के बाद में ना तुम नीचे, मैं पेपर वेपर बनाऊंगा, जब तक तुम नीचे जाके ना वो कर लेना अपना, सारी जितनी बुक्स होती है वो सारी बुक्स देख लेना। बाकी XP के लिए मैं मॉब वगैरह मारूंगे, और कैसे मतलब XP तो अपना कर ही देंगे, XP का कुछ इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बस पहले सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये कि विलेजर से उनकी जॉब जो है उसको लॉक करवानी पड़ेगी, बाकी तो और कुछ नहीं यार लिटरल। अभी तक अभी हम लोगों को ना 1 आवर हो चुका है ये सब कुछ काम करते करते, बट अभी भी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। आई डोंट थिंक कि अभी और कितना टाइम लगने वाला है हमको इससे बनाने में, बट हाँ जो भी होगा सब देख लिया जाएगा। इस बेस को बनाने में जितना टाइम लगा था उससे तो कम ही टाइम लग रहा है यार, ये बेस को बनाने में हालत ख़राब हुई थी लक्ष्य मेरी, बट जो बोलो वाला जो झरना है ना, वो वाला झरना बनाना इतना कुछ मुश्किल था नहीं, ज़्यादा बढ़िया है वो। फास्ट एक काम करते हैं, लक्ष्य को ना थोड़ा सा काम दे देते गाइस, लाइक बुक बुक किधर है तेरी बुक? एक काम करते हैं लक्ष्य को सारे मिनट वगैरह पकड़ाते और भेज देते। हाँ लक्स जितना भी करना है ना चेस्ट में रख दो, अंदर अंदर चेस्ट में रख दो, इधर ये चेस्ट पड़ी ना, जितनी भी जगह है ना सारी जगह पे गन्ने ही गन्ने भर दो, मैं पेपर बना लूँगा फिर, ये वाली में रखे देखते भी कितने आने वाला। गाइस यार एशियन डेबरी तो डायमंड वायमंड की कुछ कमी नहीं है, क्योंकि यार ये बहुत पुरानी सिम भी, तो हमारे पास माल भी बहुत कुछ तगड़ा पड़ा हुआ है, हम लोग इसमें लंबे टाइम तक खेलते थे, तो अभी माल भी एकदम तगड़ा माल पड़ा हुआ है इसमें। ओ पोर्शन ऑफ स्लो फॉलिंग
ये सारी चीज़ें काम में आएगी बाद में। ये लो लक्स, अभी ये सारे के सारे एमराल्ड, और अभी मेरे पास 5 बुक पड़ी हुई। अब इन सबको लेके जाओ नीचे आके ना, उन विलेजर्स की जो ट्रेड है उसको लॉक करवा ज़रा। मैं अब तक और पेपर्स बना के आता हूँ, जाओ। Plot 4, हाँ Protection 4, Unbreaking 3, Thorns 3, ये 3 बुक तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में ये 3 बुक चाहिए। और मेंडिंग 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 भी चाहिए होगी भाई। यार इसीलिए हम लोगों को डेडली लिस्ट बोला जाता है, क्योंकि यार देख सकते हो आप लोग देखो, लक्स का आर्मर इतना तगड़ा है कि लक्स यार मतलब खुद से ऐसे नीचे कूद गया, देखो इसको बोलते भाई डेडली लिस्ट टीम। पढ़ने का भी डर नहीं हमको, ठीक है। तो मैं अभी बनाने रख जाता हूँ शुगर कैंस निकाल के सिस्टम। हाँ भाई सिस्टम भाई, जब मैं पेपर्स बना लेता हूँ सारे। आई एम सिस्टम गेंग, हाँ इनकी भी सिस्टम गेंग है, ठीक है ठीक है भाई, ये बढ़िया है भाई। सिस्टम गेंग वाले जो है ना सारे के सारे नूबे, बस सोहेल भाई और कुंदन भाई से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारे के सारे नूबे। यू चड्डी गेंग देख लेंगे, चड्डी गेंग वो वाला सिस्टम नहीं। हाँ इधर काफ़ी सारी बुक्स लगनी हमको, तो 64 तो बुक में नहीं बनाने वाला, ठीक है मैं 32 बुक्स बना लेता हूँ, 64 कुछ ज़्यादा हो जाएगी। चलो फिर एक काम करते हैं, 40 बुक्स बना लेते हैं, ठीक है। आर्मर कैसे लिया आपका आर्मर? हाँ भाई आर्मर, ये देखो ये बंदा खुद चिक चिक के बता रहा है कि आर्मर लिया ना, इसको मैं बताऊँगा, ये रियो को तो मैं बताऊँगा, लक्स को तो डायमंड आर्मर में ही। ओके व्हाट, अच्छा ये भी ठीक यार भाई। हम आइए लो भाई, मैंने भी इनको बता दिया दम होना चाहिए, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। सपनों में हाँ भाई सही बात है, डायमंड आर्मर में मार दे रख को, इतने तगड़े बंदे को डायमंड आर्मर में। छी ब्रो आई एम पी पी गोल्ड, हाँ हाँ देखते हैं, ठीक है देखते हैं यार। ए आई एम पी पी डेविल लोल, वो तो हूँ भाई। अपन लोग ना पी पी डेविल है ना, अपन लोग पी पी गोल्ड है, वी आर द पावर ऑफ गैलेक्सी। यस गाइस आप लोगों ने सही सुना, हमारे पास इस गैलेक्सी की पावर है गाइस। हम लोग जितना हम लोगों में इतना दम है, हम चाहे ना तो अकेले जाके हर एक बंदे को मार सकते हैं, वो भी मतलब एक मतलब ऐसे झटके में मार सकते हैं। रुको मतलब ऐसे आएंगे और फिर जाके गेम ओवर। इस पावर ऑफ गैलेक्सी हम लोग ना मतलब ऐसे ना पीपी कोड है ना कुछ, हम लोग भाई हमारे पास गैलेक्सी की पावर मतलब गैलेक्सी पावर है मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के हमारे पास ताकत है, हम इनको दो 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 मिनट में निपटा देंगे। गैलेक्सी क्या है भाई? गैलेक्सी मतलब ब्रह्मांड, समझते हो भाई? ब्रह्मांड का नाम भी नहीं सुना होगा आपने कभी, ठीक है इतनी तगड़ी चीज़ होती है गैलेक्सी ब्रह्मांड। अभी मैं चाहता हूँ लोग उसको गैलेक्सी मोबाइल है ब्रह्मांड बोलते हैं, कि मुझे डैमेज गई होगी तगड़ी वाली। तो भाई इतनी कम डैमेज भाई, लगता है इसमें ना वो लगी होगी मेरे जूते में फेदर फॉलिंग, ये जूते क्योंकि मैंने लक्स से लिए। बाकी हाँ आर्मर के तो मेरे को पता क्या क्या लगी, Protection 4 वगैरह जो भी है भाई। गेट खुल जल्दी खुल जल्दी खुल। अभी गाइस आप लोगों को मैं यहाँ अंदर का भी टूर दे देता हूँ, रुको ये देखो गाइस। तो यार ये हमारा यहाँ पे टाउन हॉल ही हमारा, तो ट्रेडिंग वाले यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और लक्स ये वाली बुक्स ले लो सारी, ये 40 बुक्स लेके आऊँ मैं, ये सब ले लो। चलो बढ़िया, हाँ अभी सारी ट्रेड ब्रेड लॉक करो जब तक मैं, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं चलता हूँ और दूसरे काम देखता हूँ, मतलब पेपर वेपर बनाता हूँ ताकि हम लोग पेपर से हमारा ट्रेड कर पाए। और भाई ट्रेडिंग में मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपी हो जाएगी, तो मैं जा रहा हूँ पेपर बनाने के लिए। तो सर हम लोगों ने अभी काफ़ी देर तक यहाँ पे ट्रेडिंग करने के बाद में सारे पेपर वेपर सब कुछ हमने इधर उधर सब खत्म कर दिया। अभी हमारे पास देखो जो जो बुक्स हमको चाहिए थी वो सारी आ गई, एंड मेरे पास अब अभी 41 एक्सपी हो चुकी है, लक्ष्य के पास भी कुछ कुछ इतनी हो चुकी होगी क्योंकि आधी मैंने लक्ष्य ने बाई करी और आधी मैंने बाई करी विलेजर्स में ट्रेड करी। तो अभी यार चलते लक्ष्य सर जल्दी आओ ना यार, अभी आर्मर में लगाने। तो सर अभी हम लोग जा रहे हैं और इन सारी बुक्स को मतलब हम लोग लगाने वाले आर्मर पे, एंड फाइनली हमारे जो चार मेक्स नेदराइट आर्मर बनाने का जो वो था वो कंप्लीट होने वाला है गोल। हाँ बाकी जो एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट होती है जैसे स्विफ्ट स्नेक और ये सब यार वो सारी बुकों का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो यार पहले ये वाली मुश्किल हम लोगों ने बड़ी मुश्किल सब कुछ बाई कराए और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, पर इसीलिए वो जो भी एक्स्ट्रा बुक है ना यार वो सारी बाद में देखते रहेंगे। बाकी तो हाँ अभी जितनी हुई है ना मैं इतने मेक्स हो जाता है, मतलब ये जो है ये चारों एन्चेंटमेंट तो होनी चाहिए, तो इसीलिए जितने मेक्स हुआ था हमने वो सारी की सारी चीज़ें कर लिए। बाकी ज़्यादा की उम्मीद अभी नहीं करते, मतलब करते बाद में कर लेंगे यार।
इसी दे हमको डेडलिफ्ट टीम बोलते हैं। लक्ष्य मुझे नीचे गिरा दे फिर मैं जिंदा हूँ यार। आर्मी इतना तगड़ा बना के रखा है हम लोगों ने, पर चलो कोई बात नहीं, मैं वापस से ऊपर आ रहा हूँ एंड फटाफट से इन सारी बुक को हम लोग लगाते हैं। और हाँ, इसके बाद तो हमारी एक्सपी पूरी खत्म हो जाने वाली है, यही यही बोल सकते हो। और क्या बोले अभी भाई, इतना इतना सब कुछ लगाना जो है मतलब हो रहा है। ठीक है ठीक है, फोन थ्री की बुक मैंने, अरे मैं नीचे गिर जाऊँगा भाई बाहर निकल। क्या ये क्या हो रहा है? अच्छा लक्ष्य ने बाहर बुक फेंक दी और मैंने उठा ली, वो समझ में आ गया मेरा लेक कर रहा है। अरे लक्ष्य की लो भाई, मुझे लक्ष्य ने एक बार फिर से, लक्ष्य क्या कर रहे हो यार, मत करो ना ये, मैं पीसी प्लेयर हूँ, मुझे अगर जरा सा भी धक्का लगता है तो मैं अपने आप से नीचे गिर जाता हूँ। पीसी में खेलना थोड़ा सा इसीलिए मुश्किल भी होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता, आसान था तो था। अच्छा चलो भाई बढ़िया, अब यार हम लोग लगाते हैं फटाफट से बुक एनवी, हमको लगता है कि एक और नया बनाना पड़ जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं बना लेंगे, अभी लग जाते हैं काम पे। तो गाइस सर फाइनली अभी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में लगभग हम लोगों को 2 से 3 घंटे मतलब हाँ 2 से 3 आवर तो हो ही चुके होंगे एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो चुका होगा, बट हम लोगों ने फाइनली मिल के सारे के सारे नेदराइट और आर्मर्स कंप्लीट कर लिए। नेदराइट के स्टेन आर्मर स्टेन भी हम लोगों ने हमारे पीछे लगा दिए एंड अलग से थोड़ी सी डिजाइन डाली, पता नहीं कैसे टॉर्च उन आर्मर स्टेन के बीच में लगा दिए, बट हाँ अभी आप लोगों को एकदम जो चीज़ दिखाने वाला हूँ यार, मेरी एक्सपी पूरी खत्म हो गया, सच में इतनी ज़्यादा मेहनत करिए ना अभी। गाइस सर आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है ये देख सकते हो यहाँ पे अपना पूरा मस्त एकदम, पता नहीं कैसे लक्ष्य ने फिट कर दिया इस टॉर्च को इसमें, वो भी पता नहीं कैसे सर्वाइव ने कर दिया। एंड ये है मेरी इन्वेंटरी, तो सर अभी आप लोग देख सकते हो मेरी जो इन्वेंटरी वो कितनी ज़्यादा खतरनाक नेदराइट से भरी भी लग रही है ना। मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं इन सबको सामने यहाँ पे रखूँ, क्योंकि यार मेरी इन्वेंटरी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है इनकी वजह से, बट रखने यहाँ पे रखना है इसीलिए तो बना है, बट ये चोरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे हम लोगों ने, बट हाँ यहाँ पे हम लोग ज़्यादा दिन तक इसको नहीं रखने वाले, इन आर्मर को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रखने वाले हम लोग ना, बस आज के लिए हमने यहाँ पे रखे एंड हम लोग जो अपने दूसरे सीक्रेट बेस की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे अपने सारे नेदराइट आर्मर सिर्फ आज के लिए तुम लोगों को मैं रख रहा हूँ गाइस, सॉरी नेदराइट आर्मर। तो वही सर ये हमारे चारों के चारों नेदराइट आर्मर एंड गाइस यार आप लोग देख सकते हो सच में यार हमारे पास, हम तीनों के पास में भी नेदराइट आर्मर मेक्स एन्चेंटेड और हमारे साइड में भी मेक्स एन्चेंटेड नेदराइट आर्मर, भाई क्या ही सही सीन लग रहा है। लक्ष्य तुम भी उस वाली साइड पे खड़े हो जाओ भाई, क्या ही सही सीन लग रहा है, उस वाली साइड पे खड़े हो जाओ, उस वाले नेदराइट बगल के, उस वाले नेदराइट आर्मर के बगल में, अरे उस वाले नेदराइट आर्मर के बगल में यार ऐसे साइड में देखो मैं खड़े हो गया, क्या मस्त लग रहा हूँ मैं। वाओ यार गाइस क्या ही सही सीन आ रही है ना, सच में मुझे काफ़ी सही तगड़ा लग रहा है ये। ओ भाई सच में यार मज़ा आ गया काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद में, अरे ये सब मेहनत का फल यार, लक्ष्य इधर आओ यार, मेहनत का फल देखो यार, अपनी मेहनत का फल तो देखो जरा कितना अच्छा लग रहा है, मेहनत का फल, मेहनत का फल कितना अच्छा लग। ओ सॉरी मारो थोड़ा, हाँ ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले तो ना यार इस अंधेरी सी केव में जैसे बिना हथियारों के रहना ना अच्छा नहीं लगता है, वरना मारे जाएंगे पता नहीं किसी ना किसी दिन। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ वही वही सच में यार। बस यार इनको ना लक्ष्य इनके यहाँ थोड़ी सी ना अभी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो लियो और वो सब लोग यहाँ पे आते रहते तो इनको थोड़ा सा अंडरग्राउंड करना पड़ेगा, बट वो तो अभी वीडियो में यार पहले ही बहुत मेहनत कर चुके हैं, अभी इनको छुपाने आएंगे तो वो टाइम लग जाएगा, इसीलिए अभी इनको यहीं पर रखा है। बट हाँ नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों को ये मतलब नेक्स्ट एपिसोड तक आप लोगों को यहाँ से गायब दिखेंगे एंड कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था उसके लिए, सो अरे भैंस की यार, इसीलिए मैंने बोला था कि हाथ में हथियार रखना जरूरी है, ठीक है क्योंकि कभी भी टपक जाते हैं यहाँ पे मोब, क्योंकि अंधेरी केव है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ जो भी बोलो अभी, अरे यार कित कहाँ से इतने कहाँ से इस भैंस की निकलो निकलो, इतनी टॉर्च लगाई थी हम लोगों ने उसके बाद भी कैसे आ रहे हो। लक्ष्य इधर फ्रेम में आओ जरा, अभी वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है गाइस, अभी थोड़ा सा लक्ष्य फ्रेम में रहते हैं एंड यार इस एपिसोड को एंड करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा मजा है आज के एपिसोड में। आई डोंट थिंक कि उन लोगों की जो गेंग है मतलब उन लोगों की जो सिस्टम गेंग है वो कभी भी इतना कर पाएगी, बट हाँ तुम्हारे भाई की जो टीम है इतना डेड लिस्ट अब तुम लोग समझ गए होगे। एंड हाँ 15 अगस्त मतलब कि कल जो लाइव स्ट्रीम होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लाइव स्ट्रीम होगी, डीमन एसएमपी में हम लोग लाइव करेंगे कल एंड ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड हम लोगों ने आज भी बहुत सारा किया, मतलब अब कल ना हम लोग ऐसा करेंगे पोजीशन वोशन बनाएंगे, गोल्डन एप्पल्स बनाएंगे, टोटेम ओटेम का जो टोटेम का जो फार्म है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, टोटेम ओटेम सब कलेक्ट करेंगे। बट हाँ अभी के लिए तो इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आप लोगों को ये वाली गेम पसंद आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।